A two-digit number. It is important for RIMC. This is a question of CDS, but it is important for RIMC, RMS, Scenic School, and all other competitive exam. Okay. In RIMC, you will not going to get four options. Okay. It's a subjective exam. Okay. So this is a question. What is given to you? A two-digit number is 9 more than 4 times of the number obtained by interchanging its digits. And then if the product of digits in the two-digit number is 8, then what is the number? Okay, so now what is given to you? Basically, a two-digit number. Okay, so what you can take up is two-digit number ko, you can take x, y. Okay. लेकिन इसका लिखने का तरीका यू शुड नो, ठीक है, एक्स वाई, क्योंकि इसको सेपरेटली कैसे लिखोगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको सेपरेटली लिखने का तरीका होता है एक्स और वाई को, क्योंकि एक्स वाई हम लोग मैथमेटिकल टर्म्स में हम समझते हैं एक्स वाई इज नथिंग बट एक्स इंटू टू ना, सपोज दो डिजिट्स को मैंने एक्स वाई तो ले लिया, बट दिस टू डिजिट्स आर नॉट मल्टीप्लाइंग विथ ईच अदर, लेकिन एक्स वाई को हम लोग मैथमेटिकली एक्स इंटू वाई समझते हैं, तो इसको अलग अलग लिखने का तरीका होता है, y इसकी वंस डिजिट है और x इसकी टेंस डिजिट है, तो x इंटू 10 प्लस y इंटू 1, तो इसको आप 10x प्लस y लिख सकते हैं सॉल्व करने के लिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो एक टू डिजिट नंबर है, अ टू डिजिट नंबर इज 9 मोर देन 4 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स, इसको कैसे मैथमेटिकली लिखेंगे. अच्छा, अब इसको मैथमेटिकली समझते हैं. अ टू डिजिट नंबर, जो वो टू डिजिट नंबर है वो एक्स वाई है, एंड एक्स वाई इज 9 मोर देन 4 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स. 9 मोर देन 4 टाइम्स द नंबर, जब आप डिजिट इंटरचेंज कर दोगे, एक्स वाई को वाई एक्स बना दोगे, सो दिस इज व्हाट गिवन मैथमेटिकली. लेकिन इसको इस तरीके से सॉल्व नहीं करते. एक्स वाई को अगर आपने ऐसा लिखा है, सो आप वाई एक्स को कैसे लिखेंगे, वाई एक्स को लिखोगे आप वाई इंटू 10 प्लस एक्स, सो इट विल गिव यू 10y प्लस एक्स, ठीक है. लेकिन मैथमेटिकली आपसे क्या कह रहा है, मैथमेटिकली आपसे ये कह रहा है दैट एक्स वाई जो आपने नंबर लिया टू डिजिट नंबर, दैट इज 9 मोर देन 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इन डिजिट्स, ठीक है. तो आपने एक्स वाई को वाई एक्स कर दिया, ठीक है. तो इसको लिखने का तरीका कैसा होगा, इसको लिखने का तरीका होगा 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 प्लस, ओके, 4 टाइम्स इन ब्रैकेट वाई एक्स को कैसे लिखोगे, 10y प्लस एक्स, ठीक है. इसको मैं सब्जेक्टिव सॉल्व करना बता रहा हूँ, जितने भी CDS के स्टूडेंट्स हैं वो तो यहीं से आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है. अगर वो मैथमेटिकली इसको समझ जाएं तो वो यहीं पर वैल्यू पुट करके इसको निकाल सकते हैं, यहीं पर वैल्यू. तो पहले मैं ऑब्जेक्टिव तरीके से सॉल्व करके बता रहा हूँ. इक्वेशन तो हमने बना ली है, इक्वेशन वी हैव मेड, लेकिन इसको मैं एक बार ऑप्शंस के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ. अगर मैं पहला ऑप्शन रखूंगा यहाँ पर 81 is equal to 9 plus 4 times, reverse करूंगा 81 का तो 18 will come. क्या ये condition satisfy हो रही है? हाँ, क्या ये 9 into 18 forza is how much? 8 forza 32, carry 3, 4 ones of 4 72, and 72 plus, this is plus, okay, ये plus है, so 72 plus 9 is nothing but 81. So this condition is, it is satisfying the condition. Okay. So the answer is 81. Achha, what is the second condition? We have to check the second condition also, na? If the product of digits in two digits number is 8, uska product 8 aa raha hai. Theek hai? To aap option se directly kar sakte hain, theek hai? Aur iska product 8 aa raha hai. तो आप, ये बहुत आसान सवाल है बेसिकली. जितने भी ये जो ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन देते हैं, आपको सिर्फ उसकी लैंग्वेज समझनी होती है और यू हैव टू यूटिलाइज ऑप्शंस आल्सो, ठीक है. लेकिन फॉर आरआईएमसी विल नॉट गेट ऑप्शंस ना. लेकिन आरआईएमसी एग्जाम के लिए राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, फॉर सैनिक स्कूल ऑल्सो यू हैव टू डू दिस अप्रोच ओनली, यू डोंट हैव टू सॉल्व इट कम्प्लीटली. आप क्या करेंगे, बस आप इसको चेक कर लीजिए, ठीक है. आप उसको समझिए कि जो दो डिजिट नंबर है वो 9 ज़्यादा है, वो 9 ज़्यादा है किससे, 4 times of the number which is obtained by interchanging its digits. But चार ऑप्शन से वैल्यू रख के देख लीजिए आप, ठीक है. तो इसको हम लोग सब्जेक्टिवली कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देख लेते हैं, ओके. तो ये तो हमारा आंसर वैसे ही आ गया, पहला ऑप्शन ही चेक करा एंड वी हैव गॉट आवर आंसर, बट हाउ टू सॉल्व इट.
सब्जेक्टिव, ठीक है, सब्जेक्टिव इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, दिस विल कम 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी 40y प्लस 4x। ओके, सो अब x x एक तरफ ले लेते हैं, दिस विल बी 10x माइनस 4x प्लस वाई माइनस 40y इज इक्वल टू 9। ठीक है, 9 अकेला बच गया। सो इक्वेशन कितनी आ गई आपकी, 6x, ठीक है, एंड दिस विल गिव यू माइनस 39y इज इक्वल टू 9। इट्स वेरी इजी। सो दिस इज वन इक्वेशन। नाउ ये एक इक्वेशन आई आपकी, अब एक इक्वेशन से आप एक्स और वाई की वैल्यू तो फाइंड नहीं कर सकते, यू 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 एटलीस्ट नीड टू इक्वेशंस। तो दूसरे दूसरा क्या दिया आपको, दूसरा दिया इफ द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, इफ द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, इफ द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स। तो जो ये प्रोडक्ट है ना डिजिट्स डिजिट्स का, इफ द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स इन द टू डिजिट नंबर इज 8, तो आपको प्रोडक्ट क्या दिया है, 8 दिया है। तो आपको एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई इज गिवन टू यू हाउ मच, 8। ठीक है, एक्स इंटू वाई इज गिवन टू यू 8। ठीक है, अब आपके पास x इंटू वाई 8 है, आपके पास 6x माइनस 39y इज इक्वल टू 9 है, नाउ यू कैन इजिली कैलकुलेट। ओके, सो आई एम लिविंग दिस कैलकुलेशन, ठीक है, फॉर माई स्टूडेंट्स ओनली। आप चाहो तो इसको बहुत अच्छे से कर सकते हो। इफ द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, ठीक है, इन द टू डिजिट नंबर इज 8, सो x इंटू वाई 8 दिया है और आपको 6x माइनस 39y। लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको हाउ यू हैव चेंज्ड बेसिकली, ठीक है, x और y को आपने सेपरेटली कैसे लिखा, क्योंकि इक्वेशन में एक्स एंड वाई इज ट्रीटेड एज मल्टीप्लीकेशन ना। किसी भी इक्वेशन में एक्स और वाई कैसे ट्रीट करेंगे हम लोग, मल्टीप्लीकेशन की तरह ही ट्रीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आंसर 81 आया, तो 81 का मतलब 8 इंटू 1 थोड़ा है, 81 इज 81 ओनली। ओके, तो आगे मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। दो इक्वेशन तो हमारे पास आई गई हैं, ठीक है, एक इक्वेशन क्या आई है, 6x माइनस 39y, 6x माइनस 39y इज इक्वल टू 6x माइनस 39y इज इक्वल टू 9, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन आई है मेरी, प्रोडक्ट दिया है x इंटू वाई, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इन द टू डिजिट इज 8, ठीक है, x इंटू वाई कितना दिया है मुझे, 8 दिया है। सो हाउ वी विल सॉल्व दिस नाउ, आप यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल दीजिए, ठीक है, यहाँ से x कितना जाएगा, इट विल कम 8 अपॉन वाई, ठीक है, 8 अपॉन वाई इट विल गोइंग टू कम। ओके, तो बस अब आप पुट दिस वैल्यू ऑफ एक्स इन दिस इक्वेशन, सपोज दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है, तो अगर आप इसको रखोगे तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 8 अपॉन वाई माइनस 39 वाई इज इक्वल टू 9, इट विल गोइंग टू कम। ठीक है, उसके बाद दिस मच इज क्लियर, इसको इसको कैसे सॉल्व किया, उसके बाद दिस विल कम हाउ मच, अगर आप इफ यू विल टेक एल सी एम, वाई विल बी द एल सी एम, ठीक है, सो दिस विल कम 48, ठीक है, माइनस 39 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ओके, और यहां से फ्रॉम हियर, ओके, सो फ्रॉम हियर आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, व्हाट विल गोइंग टू बी योर इक्वेशन, ये आ जाएगी 48 माइनस 39 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 वाई, ठीक है, तो ये जाएगी 39 वाई स्क्वायर प्लस 9 वाई इज इक्वल टू 48। दिस मच इज क्लियर। अच्छा, अब आप देखो कि 3 से इक्वेशन कैंसिल हो रही है, नहीं हो रही, ठीक है, अगर ये हो रही है तो उसको 3 से कैंसिल करो, 3 1 3 3 3 19, सो 13 वाई स्क्वायर। अपने इक्वेशन को आप जितनी सिंप्लीफाई करोगे उतना ही बेटर है, ठीक है, सो 13 वाई स्क्वायर प्लस 3 3 9 ना, सो 3 वाई इज इक्वल टू 3 1 3 एंड 16 3 48, सो 13 वाई स्क्वायर प्लस 3 वाई इज इक्वल टू 16 आया। ओके, अब ये y की इक्वेशन आ गई, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नाउ यू हैव टू सॉल्व इट। ओके, अब आपको क्या करना है, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म्स, तो इसको इस तरीके से लिखते हैं, 13 वाई स्क्वायर प्लस 3 वाई माइनस 16 इज इक्वल टू 0। दिस मच इज क्लियर।
क्वेश्चन ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे, व्हेन यू विल सॉल्व दिस इक्वेशन 13y² + 3y, चलो मैं एक काम करता हूँ, 48 ऐसे लिखता हूँ, -39y² और -9y, ठीक है, -0। ठीक है, अब मैं इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 39y² + 9y -48 = 0। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ले जाना है बस, ठीक है, तो फिर 39y² + 9y = 48, ठीक है। हाँ अब आ गया, चलो अब इसको सॉल्व करना या आप खुद सॉल्व करना, नहीं तो मैं आपको फिर नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। सॉल्व इट, सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको अच्छे से सॉल्व करो, और यहाँ पर यहाँ से वाई की वैल्यू आएगी, उस वाई की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रखना, इफ़ यू विल पुट इट हियर अगेन यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। तो आपसे एक्स और वाई आएगा, ठीक है।